भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने दिया बड़ा बयान और इस बयान में तंज कसा है उन्होंने अपनी भौजी पर। जी हां, आप तो समझ गए होंगे हमारा इशारा किसकी तरफ है। हमारा इशारा है अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर। जी हां, डिंपल यादव को लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, मेरे विजय रथ को रोकने के चक्कर में अखिलेश यादव की पत्नी हार गई। अखिलेश यादव की पत्नी हार गई, उनके चाचा हार गए, यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत आजमगढ़ में झोंक दी मुझे रोकने के चक्कर में और उनसे यूपी का सारा इलाका छिन गया। डिंपल यादव यानी कि हमारी भौजी भी हार गई, जो कि बड़ा ही दुखद है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यहाँ तक भी कहा कि अब वो आजमगढ़ में रह के आजमगढ़ का विकास करना चाहेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक और सीट की बढ़त जरूर दिलाएंगे। यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ये कहना नहीं भूले कि वो राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजनीति में इसलिए आना पड़ा कि जब महागठबंधन बना तो उन्हें लगा कि पीएम मोदी का उन्हें साथ देना चाहिए। फिर जब बीजेपी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी तो उसका निर्वहन करना एक देशभक्त के कारण जरूरी होता है। हाँ, उनका इंटरेस्ट यहाँ राजनीति में बिल्कुल नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के चलते वो राजनीति में आए। यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये भी कहा कि जो आजमगढ़ की जनता ने उन पर विश्वास देकर 3 लाख वोट दिए हैं, वो उनके विश्वास के साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। उनके विश्वास पर वो हमेशा खरे उतरेंगे। हाँ, रह गई अखिलेश यादव की बात, तो अखिलेश यादव भले ही आजमगढ़ से जीत गए हों, लेकिन बाकी सारी सीटें वो हार इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ताकत आजमगढ़ में झोंक दी। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे चुनावी माहौल में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनके देवर दिनेश लाल यादव निरहुआ की नोकझोंक हमेशा सुर्खियों का विषय बनी रही पूरे चुनावी माहौल में, और इन दोनों की नोकझोंक ने बड़ी ही सुर्खियां बटोरी। अगर आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ का ये इंटरव्यू देखना है तो आप हमारे कम्युनिटी में जाएं, वहाँ पर आपको इस इंटरव्यू का पूरा लिंक मिलेगा। आप ये इंटरव्यू पूरी तरह से देख सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।